पानी जीतू वाला जोहर पर स्थित फाटक के ओवर ब्रिज निर्माण के लिए यहां के निवासी पिछले कई वर्षों से इसकी मांग करते आ रहे थे, जो कि आज पूरी हो गई है। बीते मंगलवार को भिवानी सांसद धर्मवीर सिंह द्वारा नारियल फोड़कर इस ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया है। आपको बता दें कि भिवानी स्थित जीतू वाला जोहर पर एक रेलवे फाटक है, जो कि 24 घंटे में से कुछ समय के लिए ही खुलता है, जिससे हर आम आदमी को वहां से गुजरने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर कई वर्षों से हर किसी की मांग थी कि फाटक पर ओवर ब्रिज बनाया जाए। बता दें कि इस मांग को लेकर कॉलोनी वासियों द्वारा अनिश्चितकालीन धरना भी दिया गया था, जिनकी मेहनत अब रंग लाई है। शिलान्यास के बाद हर किसी को उम्मीद है कि ओवर ब्रिज अब जरूर बनेगा और उन्हें यहां से गुजरने में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं जीतू वाला जोहड़ महापंचायत के पदाधिकारियों ने सांसद का विशेष तौर पर आभार प्रकट किया। महापंचायत के महासचिव रोहतास वर्मा ने कहा कि ऊपरगामी पुल के निर्माण से मानो अनेक कॉलोनियों को दोबारा जन्म मिला है, इसके लिए हम तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। वहीं शिलान्यास कर रहे सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि वैसे तो वर्षों पहले ही पुल निर्माण हो जाना चाहिए था, लेकिन बार बार कोई ना कोई कानूनी अड़चन आती रही। उन्होंने कहा कि उनका शुरू से ही प्रयास था कि किसी तरह से यह पुल बन जाए। इस पुल के बन जाने से दर्जनों कॉलोनियों को यहाँ लाभ होगा, वहीं कई गांवों को भी सीधा फायदा होगा। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि कॉलोनी वासियों को जिस शुभ घड़ी का इंतजार था, वो नवरात्रि व हिंदू नववर्ष की शुभ घड़ी में पूरा हुआ है। सांसद ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत यहां पर चरितार्थ हो रही है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आज मैं एमपी साहब और हमारे विधायक घनश्याम सराफ जी का बहुत तहे दिल से इस क्षेत्र की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारी 3 साल बाद इतनी बड़ी समस्या को हल करने का जो वादा किया था, आज हमारा वो पूरा हो गया है। अब ये लाइन पार के क्षेत्र के जो वासी हैं, सभी एमपी साहब चौधरी धर्मवीर सिंह का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। ये महापंचायत हमेशा ही धर्मवीर चौधरी धर्मवीर सिंह के और यहाँ के विधायक घनश्याम सराफ के साथ सदा ही, जैसे ही इन्होंने हमारा साथ दिया वैसे ही ये क्षेत्र उनका साथ देगा। धन्यवाद। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।